जनाब, मैं आपका पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए, हमारी मुश्किलातों को आपने देखा। ये देखो रोड की क्या खस्ता हालत है, सिर्फ 2 या 3 साल के अंदर अंदर पूरी रोड जो है ये ख़राब हो चुकी है, क्योंकि इसमें ना कोई नाली है, ना कोई डंगा है, कुछ भी नहीं है। हमारी ज़मीनें जो सब इस रोड के पानी से बह गई है, हमारे मकानों के अंदर पानी जाता है। तो लिहाजा मेरी आपसे और आपके माध्यम से मैं आगे गवर्नमेंट से और महकमा PMGSY से अपील करता हूं कि लिहाजा जल्द अज जल्द इस रोड का कुछ किया जाए, ताकि हमारे मकान और ज़मीनें हमारी जो है ये बच जाएँ और रोड भी हमारी मुकम्मल हो जाए। अगर कुछ ना करेंगे तो हम कल मजबूर होके रोड बंद करने का जो है हमें बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में पानी, इस रोड का पानी जो है सीधा घरों के अंदर जाता है। आगे बरसात का मौसम भी आने वाला है, बरसात में तो इस रोड का पूरा ही खस्ता हाल होता है। जब ये पस्सियाँ आती हैं ऊपर से, ये 2 साल से ये पस्सी इधर पड़ी है, इसको कोई उठाने वाला इधर नहीं आता। महकमे का कोई भी बंदा है इस रोड पे आके इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं लिहाजा यही, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही अपील करता हूँ महकमे से भी और सरकार से भी कि जल्द अज जल्द इस रोड का कुछ किया जाए, ताकि इसके डंगे और नाली का कोई काम लगे तो हमारे मकान और ज़मीनें जो हैं ये बर्बाद और तबाह होने से बच जाएंगी।